उज़ा 14वां बाब। और समसून तिमनत को गया, और तिमनत में उसने फिलिस्तियों की बेटियों में से एक औरत देखी, और उसने आकर अपने माँ बाप से कहा, मैंने फिलिस्तियों की बेटियों में से तिमनत में एक औरत देखी है, सो तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। उसके माँ बाप ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या मेरी सारी कौम में कोई औरत नहीं है जो तू नामख्तून फिलिस्तियों में ब्याह करने जाता है? समसून ने अपने बाप से कहा, उसी से मेरा ब्याह करा दे, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आती है। पर उसके माँ बाप को मालूम ना था कि ये खुदावन की तरफ से है, क्योंकि वो फिलिस्तियों के खिलाफ बहाना ढूंढता था। उस वक्त फिलिस्ती इसराइलियों पर हुक्मरान थे। फिर समसून और उसके माँ बाप तिमनत को चले और तिमनत के ताकिस्तानों में पहुंचे, और देखो एक जवान शेर समसून के सामने आकर गरजने लगा। तब खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाजल हुई, और उसने उसे बकरी के बच्चे की तरह चीर डाला, गो उसके हाथ में कुछ न था। लेकिन जो उसने किया उसे अपने बाप या माँ को ना बताया, और उसने जाकर उस औरत से बातें की, और वो समसून को बहुत पसंद आई। और कुछ अरसा के बाद वो उसे लेने को लौटा, और शेर की लाश देखने को कतरा गया, और देखा कि शेर के पिंजर में शहद की मक्खियों का हजूम और शहद है। उसने उसे हाथ में ले लिया और खाता हुआ चला, और अपने माँ बाप के पास आकर उनको भी दिया, और उन्होंने भी खाया, पर उसने उनको ना बताया कि ये शहद उसने शेर के पिंजर में से निकाला था। फिर उसका बाप उस औरत के हां गया। वहां समसून ने बड़ी ज़ियाफ़त की, क्योंकि जवान ऐसा ही करते थे। वो उसे देखकर उसके लिए 30 रफीकों को ले आए कि उसके साथ रहें। समसून ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली पूछता हूं, सो अगर तुम ज़ियाफ़त के 7 दिन के अंदर अंदर उसे बूझ कर मुझे उसका मतलब बता दो, तो मैं 30 केतानी कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े तुमको दूंगा, और अगर तुम बता ना सको तो तुम 30 केतानी कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े मुझको देना। उन्होंने उससे कहा कि तू अपनी पहेली बयान कर ताकि हम उसे सुने। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से तो खाना निकला और जबरदस्त में से मिठास निकली, और वो 3 दिन तक उस पहेली को हल न कर सके। और 7वें दिन उन्होंने समसून की बीवी से कहा कि अपने शोहर को फुसला ताकि इस पहेली का मतलब वो हमको बता दे, नहीं तो हम तुझको और तेरे बाप के घर को आग से जला देंगे। क्या तुमने हमको इसीलिए बुलाया है कि हमको फकीर कर दो? क्या बात भी यूं ही नहीं? और समसून की बीवी उसके आगे रोकर कहने लगी, तुझे तो मुझसे नफरत है, तू मुझको प्यार नहीं करता। तूने मेरी कौम के लोगों से पहेली पूछी पर वो मुझे ना बताई। उसने उससे कहा, खूब, मैंने उसे अपने माँ बाप को तो बताया नहीं, और तुझे बताऊं? सो वो उसके आगे जब तक ज़ियाफ़त रही 7ों दिन रोती रही, और 7वें दिन ऐसा हुआ कि उसने उसे बता ही दिया, क्योंकि उसने उसे नहाए तंग किया था। और उस औरत ने वो पहेली अपनी कौम के लोगों को बता दी, और उस शहर के लोगों ने 7वें दिन सूरज के डूबने से पहले उससे कहा, शहद से मीठा और क्या होता है, और शेर से जोरावर और कौन है? उसने उनसे कहा, अगर तुम मेरी बच्चिया को हल में ना जोतते तो मेरी पहेली कभी ना भूझते।
फिर खुदावंद की रूह उस पर जोर से नाजल हुई और वो अस्कलोन को गया। वहां उसने उनके 30 आदमी मारे और उनको लूटकर कपड़ों के 30 जोड़े पहेली बूझने वालों को दिए और उसका कहर भड़क उठा और वो अपने माँ बाप के घर चला गया। और समसून की बीवी उसके एक रफीक को जिसे समसून ने दोस्त बनाया था दे दी गई।